तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं जस्ट होम टाउन से निकला हूँ अभी, एंड आज काम करने के लिए जाना है। वन अप्रोक्सीमेटली जाना है 90 किलोमीटर के आसपास जाना है। देखिए, सुबह सुबह ही चेकिंग शुरू हो चुका है यहाँ पे, और मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे यहीं से। तो ये अभी जिस सिर्फ 5 किलोमीटर ही आया हूँ, और ये देखिए रास्ता की हालत, देखिए कैसे रास्ता है। यहाँ पे बहुत ही ख़राब कंडीशन है यहाँ का। इस जगह का नाम है डुंगुरी पाली, जो कि अभी हो गया होगा आई थिंक 55 किलोमीटर के आसपास पहुँच चुका हूँ अभी। और देखिए यहाँ पे हड़ताल हो रहा है शायद, आई डोंट नो रीजन, ऐसा होता रहता है यहाँ पे, तो कुछ मुझे मालूम नहीं है। तो थोड़ा सा बस देख करके आगे निकल जाता हूँ, और वैसे भी बहुत दूर जाना है आज। तो ये अभी आ चुका हूँ 70 किलोमीटर के आसपास। कुछ काम यहीं पे, तो यहीं पे रास्ता है, बट यहीं पे नहीं जा सकता क्योंकि रास्ता यहीं से थोड़ा सा आगे जाने के बाद लेफ्ट साइड है जो डेस्टिनेशन में, जो डेस्टिनेशन है जहाँ पे मेरा काम है। वो देखिए, वो जो बोर्ड लगा हुआ है, साइन बोर्ड, वहीं पे लेफ्ट साइड का लगा है। तो आज वहीं नहीं जा सकते क्योंकि बहुत गंदा रास्ता है, बहुत बहुत ख़राब रास्ता। मेरा रेडर का एक सॉकर ख़राब हो चुका है, शॉक ऑब्जर्वर, जो कि राइट साइड का एक ख़राब हो चुका है, इसलिए नहीं जाऊँगा। वो ठीक करने के बाद ही जा सकते हैं ऐसे थोड़ा सा उबड़ खाबड़ वाला रास्ता। तो फिलहाल के लिए देखिए चल रहा हूँ ये बस अभी 75 किलोमीटर, 70 नहीं, करीबन वो आई थिंक 65 किलोमीटर के आसपास होगा। तो थोड़ा सा सीधा रास्ता मिला है इस तरह, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही होगा हर टाइम सीधा रास्ता नहीं मिलता है। तो ये जा रहा हूँ आगे। तो अभी जो जगह है, उस जगह का नाम है बारगढ़। तो यहीं पे मुझे फिर लेफ्ट करके लेफ्ट जाना है। तो यहीं पे बहुत सब्जी वगैरह खेती होता है इस जगह पे, बहुत अच्छा जगह है, आता रहता हूँ इस जगह। तो देखिए यहाँ पे पार्सल जा रहा है, ये आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं हिंदी पे, बट संबलपुरी पे इसको माखन बोलते हैं, और झुनगा भी बोलते हैं उसको। तो ये मैं पहुंच चुका हूं, मेरा पहला साइट देखिए। हाँ, यहीं पे एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप में एक एटीएम है, वहीं पे आज का काम है जो कि अभी 2 बजने वाला है। आई थिंक बहुत लेट में निकला हूं आज, लेट मतलब 12 बजे निकला था, 2 घंटे में कवर कर लिया ये सब। हमारा स्पीड था 450 किलोमीटर था शायद, थोड़ा सा रुक रुक कर रहा। तो देखिए वो हमारा पहला डेस्टिनेशन जहाँ पे हमारा काम है, और यहीं पे ही काम करना है। तो गाइस देखिए, मैं ही ऐसा निकलता हूँ ऐसा राइडिंग जैकेट वगैरह पहन के, बट कोई भी फील्ड जॉब वाला ऐसा नहीं निकलता है। तो वह इस काम ख़त्म करके ये निकल चुका हूँ। देखिए वहीं पे स्ट्राइक अभी तक भी चल रहा है। तो ये तो देखिए रास्ता कितना ख़राब आ चुका है। इस जगह का नाम तो आपको पता ही होगा, जाते समय मैं आपको बोला था ये डुंगुरी पाली है। तो यहीं पे एक्चुअली मेरा सेकंड साइड का काम है, तो ये काम शुरू हो चुका है। देखिए बहुत सारा गंदा साइट, कभी साफ नहीं होता ये। तो इसका एक्चुअली सीलिंग बहुत शॉर्ट सर्किटेड है, छुओगे तो पूरा शॉक लगेगा। तो ये इसका बाहर का थोड़ा सा जैसे तैसे एडजस्ट करके लिए मैं काम कर दिया, सप्लाई दे दिया, और काम हो चुका है ख़त्म। और टाइम हो चुका है रात के 8 बजे। तो यही भी थोड़ा सा, तो गाइस यहाँ पे पूरा काम ख़त्म हो चुका है और मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ। एक्चुअली हेलमेट फ्यूल टैंक के ऊपर रखा है क्योंकि थोड़ा सा हवा मिल जाए खाने के लिए।
थोड़ी देर चल रहा हूँ अभी। यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 65 किलोमीटर का है घर, तो जैसे तैसे भी निकलो आप यहीं पे रात ही हो जाता है। और इस रास्ते में बहुत, मतलब रास्ता तो बहुत ख़राब है यहाँ पे, तो जैसे तैसे करके निकल रहा हूँ। बस ऐसा ज़्यादा दूर नहीं चलने वाला है, क्या ही बताऊँ, यहाँ पे रुक रहा हूँ क्योंकि डस्ट, बहुत सारा डस्ट फेस पे ही लग रहा है मुझे, बहुत ख़राब लग रहा है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल फेस मास्क लगा रहा हूँ, क्योंकि जो भाई लोग राइड करते हैं तो इसका मास्क का कितना इम्पोर्टेंस है वो समझ पा रहे होंगे। तो मैं भी ये मास्क लगा देता हूँ क्योंकि मुझे डस्ट नहीं खाना है। तो फिलहाल बॉडी पेन हो रहा है बहुत सारा क्योंकि रास्ता ही इतना ख़राब है। तो गाइस, बिना हेलमेट के ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हम, तो इसलिए मैं अपना हेलमेट लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे शकल दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास अकल है तो शकल दिखाना नहीं पड़ेगा। और फटाफट से मैंने अपना हेलमेट पहन लिया फिर से और जा रहा हूँ अपना घर की तरफ, क्योंकि बाहर तो नहीं रुक सकता, यहाँ पे रुकना भी कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं है इस एरिया में। तो फिलहाल देखिए, एक ठेले पे रुका हुआ हूँ और खा रहा हूँ भेल, जो कि 10 रुपया का ही आता है, और इसे हिंदी में बोलते हैं भेलपुरी। हाँ, भेल भेलपुरी दोनों ही बोलते हैं, बट संबलपुरी में इसको भुजा बोलते हैं, कुछ कुछ एरियाज में मुढ़ी बोलते हैं। तो फिलहाल खा कर निकलूँगा यहाँ से। तो भाई सभी देखिए, मैं अपना गांव पहुँच चुका हूँ, और देखिए मेरा बहुत छोटा सा घर है, तो यहीं पर ही आज का दिन समाप्त हो रहा है। धीरे धीरे बहुत सारा थकान के बाद फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अपना घर। और देखिए, अभी मेरा भांजा भी आ जाएंगे, क्योंकि जब मैं जाता हूँ तो वो कुछ लाने के लिए बोलते हैं। देखिए निकल गए हैं और नया चाबी देख कर थोड़ा सा शौक हो गए। बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड है मेरा भांजा का। तो ये हो चुका है ख़त्म दिन, और आज का 10 बजने वाला है रात का। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है गाइस, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।